No.
शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
बलम कृष्ण सर्वे संतु निर्भया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चि दुर्भावने हरिओं शांति 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 ओम प्रभो इसलिए भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभो नमो भगवते वासुदेवाय प्रभो नमो भगवते वासुदेवाय प्रभो नमो भगवते वासुदेव ओम सनौ आवतु सनौ भूनातु सेविर्यं करवा ते जपिनौ अधीतमस्तु मा विद्विषा हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की युगनामी छठा अध्याय ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विजत इंद्रियः युक्ता इति उच्यते योगी समलोष्ट अश्मकांचनः हरिओं तत् हरिओं तत् हरिओं तत् सत्। फिर विचार कर किया था ज्ञान के पश्चात जब विज्ञानी जीव बनता है अर्थात उसे अपनाने वाला बन जाता है पूर्णपेन अपने जीवन में ढाल लेता है हमेशा के लिए तृप्त होकर महाराज जी की जात में एक मेक हो जाता है। याद रखिए इसके बाद भगवान ने कहा था फिर शरीर कैसे रहता है कूटस्थ इनडिफरेंट होकर बिल्कुल इनडिफरेंट बिल्कुल कूटस्थ अर्थात द्वंद्वों से ऊपर उठता है सुख हो दुख हो हानि हो लाभ हो मान हो अपमान हो संयोग हो वियोग हो कैसा भी हो उसका मान बिल्कुल उपराम है उसका मन बिल्कुल उठा हुआ है वो इन द्वंद्वों में बिल्कुल नहीं लगता आपके किसी भी काम में वो नहीं लगता बिल्कुल आजाद चाहे भगवान उसे बिल्कुल गारों में बिठा डाले चाहे उसे मेरी तरह प्रचार में लगा डाले चाहे कुछ भी करवा डाले वो इससे कुटस्थ है। कुटस्थ हो सकता है जिसके मन में अविद्या काम और कर्म नहीं रहे ये मन की गांठें जिसकी खुल गई है जिसकी अज्ञानता सदा के लिए खत्म हो गई है जिसका स्वार्थ अब जरा भर भी नहीं रहा जरा बर भी जिसका स्वार्थ बकाया नहीं रहा वही ऐसा करने में कामयाब हो सकता है। स्वार्थी आदमी के बारे में तो हम ऐसा सोच नहीं सकते क्योंकि वो विज्ञानी बन चुका है वो उस चोटी की अवस्था तक पहुंच चुका है। इसलिए हमारे भगवान कह रहे हैं कूटस्थ अर्थात वो बिल्कुल निराला हो गया। चलते हैं हम आगे विजित इंद्रिया उसकी इंद्रिया के विषय पुराने खत्म हो गए या यूं कह लो उसने अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया। आइए जरा मैं आज शुरू करूं। इंद्रिय सत्संग में आने के नाते से कोई नया शब्द मेरे और आपके लिए नहीं है। इंद्रियाएं ये बाहर के अवयव ये बाहर के अंग जो भगवान ने शरीर के साथ लगाए हैं जिनके द्वारा हम संसार की चीजों को ग्रहण करते हैं। जैसा कान है तो संसार के शब्द हमें सुनाई देते हैं अगर कान ना हो तो संसार का पांचवा हिस्सा हमारा खत्म। जिनके भगवान जी ने कान छीने हुए हैं उनको आवाज का कुछ पता नहीं संसार का पांचवा हिस्सा नो मोर। कान संसार के शब्द के लिए कान है। भगवान ने कान बनाए भगवान ने आंखें बनाई देखने के लिए कान बनाए सुनने के लिए संसार का दूसरा हिस्सा है देखना रूप ये बनाए शब्द के लिए शब्दों के लिए सुने ये बनाए देखें ये बनाए सूंघें क्या अंदर ले जाने योग्य है और क्या अंदर ले जाने योग्य नहीं है ये हम विचार करते रहे। सेहत खराब ना हो जाए ऐसी बासी बदबूदार चीज का ग्रहण ना करें। भगवान ने नाक बनाया सुगंधी को लेने के लिए जांचने के लिए स्त्रीवाणी बनाई बोलने के लिए और फिर वाक बनाया बोलने के लिए और वाणी बनाई चखने के लिए। ये एक इंद्रिया जो दोनों काम कर जाती है। जब मेरी तरह आप बोल रही हो तो कर्म इंद्रिय कहलाएगी
और जब आप चख रहे हो किसी वस्तु को तो वो कहलाएगी ज्ञान इंद्रिय। जब चखने का ज्ञान हो, खट्टा मीठा चिरचिरा जिभिया सब रस ले, खटास मिठास चिरचिरी को जो जानती है या बताती है, ये इससे त्वचा यानी चमड़ी यानी स्किल बनाई स्पर्श के लिए, हाथ बनाए लेने देने के लिए, पैर बनाए गमन के लिए, इस तरह उपस्थ बनाया अंग और अब मल दूसरा बनाया अपना मल के लिए, ये सार गुदा, ये सारे 10 अंग हो गए हमारे पास, पांच ज्ञान इंद्रियां, जिनसे हमें ज्ञान होता है वो ज्ञान इंद्रियां कहलाती हैं, और जिनसे हम कर्म करते हैं वो कर्म इंद्रियां कहलाती हैं। इनका कुछ चक्कर ऐसा है, ज्ञान इंद्रियों द्वारा इंफॉर्मेशन जाती है अंदर, फला रूप मैंने देखा मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने अंदर भेज दिया मन के पास, अरे मनवा हाँ वो रूप मुझे बहुत अच्छा लगा, अंदर चला गया, फला शब्द कोई लाइने बड़ी स्ट्राइक कर गई मेरे अंदर, वो मैंने अंदर भेज दिए। पांच ज्ञान इंद्रियों द्वारा जब मैंने खाया मुझे फला बड़ा स्वाद आया, किन्हीं किन्हीं चीजों से मैंने अंदर भेज दिया, मन के पास भेज दिया, ये स्पर्श किया, कोई कोमल स्पर्श थे कोई कठोर स्पर्श थे, जो स्पर्श मुझे दिन भर बड़े अच्छे लगे हाँ मैंने मन में भेज दिए। पांच ज्ञान इंद्रियां क्या इंफॉर्मेशन पहुंचाती हैं हमारे भीतर में, याद रखिए पांच ज्ञान इंद्रियां इंफॉर्मेशन देती हैं, उसी तरह जैसे हर बड़े बड़े नगरों में संवाददाता होते हैं जो कि अपने अखबार के सेंटर में खबरें भेजते रहते हैं, अम्बाला में ये खबर, ये खबर हुई, ये घटना हुई, अम्बाला में ये हुआ, तो वो दूसरे दिन अखबार में छप जाएगी, संवाददाता उनके रहते हैं हर बड़े बड़े नगरों के अंदर। तो इसी तरह अंदर का अंदर मन के संवाददाता है पांच ज्ञान इंद्रियां, ध्यान दीजिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये खबरें भेजते रहती हैं दिन भर की जो देखा, लेकिन जो अच्छा लगा, जो स्ट्राइकिंग हो, जो शब्द सुने स्ट्राइकिंग हो, तो वो अंदर भेज देंगे मन के पास, तो आप अंदर जाते चले जाएंगे पांच ज्ञान इंद्रियां, हाँ अंदर चले, अंदर भेजती रहेंगी। अब अंदर जाकर के वो एक फाइल बना लेता है, समझाने के लिए कह रहा हूं, बड़ा सुंदर ऑफिस बनाया है भगवान ने, माइंड जो है ले रहा है रिसीविंग क्लर्क, माइंड इज रिसीविंग क्लर्क, और ये भेज रही इंफॉर्मेशन ये है इनसे अंदर गई, अब उसने बनाई और बुद्धि के पास भेज दिया फॉर चेकिंग, दिन भर ये मेरे पास आया है, आपका क्या इरादा है। अब वो अपने पिछले अनुभव के अनुसार वो शब्द वो रूप वो रस और वो स्पर्श है बहुत अच्छे और वो सुगंध आहा, अब भेजेंगे। ऊपर गए, बुद्धि ने पुराने तजर्बे को याद किया और उस पर कुछ रिमार्क लिखे, फाइल वापस आई मन के पास, क्या मन पे, मन ने देखा लिखा हुआ है, उस शब्द को दोबारा देखा जाए, उस रस का मजा दोबारा लिया जाए और वो फिर वहां पर जाके स्पर्श किया जाए, हाँ अब ये किया जाए, अब बाहर आया टू बी एग्जीक्यूटेड। अब जब ऊपर से बुद्धि रिकमेंड करेगी और मन वापस करेगा, वो पांच कर्म इंद्रियां करके दिखाएंगी, ज्ञान इंद्रियों द्वारा सजनों मेरे बच्चों अंदर इंफॉर्मेशन जाती है, अंदर संवाद जाता है, और जब बुद्धि उसे पास करती है तो फिर कर्म इंद्रियों की बारी आ जाती है। अगर बुद्धि ना पास करे तो इंसान आधा पाप का भागी बना, और अगर इंद्रियां कर्म इंद्रियों से, अगर मन कर्म इंद्रियों से करवा ले तो इंसान 100% देनेदार बन जाएगा, 100% यकलख्त हम कोई कर, अब जो बोलते हैं ना आकस्मिक मुझसे कर्म हो गया, वो झूठा है, दुनिया में आकस्मिक ऑल ऑफ सडन कभी कर्म नहीं होता है, ऑल ऑफ सडन नहीं, ये चक्कर इतनी जल्दी चल जाता है कि हम इसे आकाश में कहते हैं, खबरें फटाफट इनसे देखी गया करा गया पहुंच गई और बड़ी जल्दी अंदर बुद्धि पर गई, बुद्धि ने पुराना निर्णय अपने अनुभव याद किया, उसके बाद रिमार्क दिए, मन के पास गए, मन आगे कर्म टू बी एग्जीक्यूटेड एज अर्ली एज पॉसिबल, इसे जल्दी कर दिखलाइए, इसे जल्दी संपन्न कीजिएगा, बड़ी जल्दी आगे चक्कर चलाएगा। हा सुपीरियर बुद्धि वर्क मैनेजर माइंड, और उसके अंडर है ये 10 क्लर्क,
पांच कर्मियों वाले जो पांच इंफॉर्मेशन देते हैं और पांच एक्शन करते हैं, जो ऊपर से ऑर्डर होता है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। साथ समझिए जरा, बड़े ध्यान समझिएगा। जैसे मेरे गुरुओं ने मेरे पर कृपा की, मेरे आचार्यों ने मेरे पर बड़े महती कृपा की और इस विषय दुरुह्य विषय को बहुत सरल और सुबोध कर दिया, समझाने की अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूं। कितना सुंदर ऑफिस है भगवान का यह बख्शा हुआ शरीर मन बुद्धि, और ये कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। आप कहे अमीन आला कर रहे, ये कभी हो नहीं सकता, ये आपस में घी खिचड़ी है, घी खिचड़ी जैसे एक में एक वही होती है, इस तरह ये मन बुद्धि और इंद्रिया आपस में एक में एक है। तो बड़ी खतरनाक है कर्म ज्ञान इंद्रिया, बड़ी खतरनाक। इसलिए हमें हिंदू धर्म के अंदर जोर दिया जाता है, क्या 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 जोर दिया जाता है, क्या जोर दिया जाता है कि पहले संसार को सही रूप में समझ लो, ताकि गलत इंफॉर्मेशन ना जाए मन बुद्धि के पास। कहावत भी मशहूर है, जड़ को काट दो, जड़ हमारी ज्ञान इंद्रियां है। ध्यान सुनना जरा आज का प्रसंग, मेरी हर बच्ची जरा घर बार को भूलकर जरा भगवान के इस फरमान और उपदेश पर जरा मन लगे रखिएगा। कारण है, कारण को तोड़ दो, कारण को छोड़ दो, वरना वो बात खत्म नहीं होगी, होती रहेगी होती रहेगी। एक बड़ी अजीब और विचित्र कहावत हमारे देश में चलती है, हा जल्ला ना मरे नी नी फत्तो, हा जल्ला ना मरे जले दी मां मरे, क्यों मता होर जल्ला जम दरे। क्या कहा, भरी राज में भरी बुज्म में राज की बात कह दी। अरे जल्ला ना मरे, ए टिकाया जल्ले दी मां मरे, मता होर जल्ला जम दरे। भाई एक जल्ला तो हो गया, एक दो साल के बाद दूसरा जल्ला ना पैदा हो जाए। अर्थात अच्छा है कि अगर वो कारण खत्म कर दिया जाए। हमारे धर्म कहता है अरे इंद्रियों को पहले समझा दीजिएगा, वरना अंदर आर्डर आते रहेंगे और इंसान तबाही मचाता रहेगा। आह अधूबन के दुनिया में जहां में तबाही मचाते रहे। हम इधर देखें, भगवान ने कान दिए थे सुनने के लिए, हां बुद्ध इंसान को पता नहीं लगा कि क्या सुनना है, जिससे मेरा भविष्य अच्छा बने और जिससे उत्तरो उत्तर आनंद आता रहे। इंसान ने वो बातें सुनी जिससे उसकी खुशी दिन बदन कम होती गई और राग द्वेष बढ़ते चले गए। यही हाल आंखों का है, यही हाल नाक का है, यही हाल मुंह का है। हम प्राणी पदार्थों के अधीन हो गए, हम उन्हीं के अधीन हो गए। हमने इनको अपने जेर करना था और उल्टा खुद ही अधीन हो गए। शाबाश, ये तो इनको हमने अपने अधीन करने के लिए भगवान से लिया था, लेकिन इंसान भूल गया। थानेदार थे, रात को ड्यूटी दे के आते, पिस्टल उनकी कारतूस से भरी होती थी और वो लटका देते अपनी वर्दी पिस्टल समेत। लड़का कई दिनों से जिद कर रहा था, पिताजी फला मेरी लड़की क्लास फेल हुआ है, अगर आप वहां मेरी शादी या मंगनी कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पिता ने कहा बिल्कुल आउट ऑफ कॉस्ट है, ऐसा कभी हो नहीं सकता, मैंने समाज में रहना है, मेरी दो लड़कियां, लड़का एक और भी है, ये कुआरे में नहीं बिठा देने, सारे मेरे साथ बायकॉट कर देंगे, कोई आगे रिश्ता नहीं चलेगा। बेवकूफ, ऐसा अपनी बहनों का भाइयों का भला चाह, ऐसा ना कर, मेरी बड़ी इज्जत है शहर के अंदर। लड़का बाजिद, अकल होता मना बाजिद, बार बार पिता कहता रहा, नहीं आधी रात को वही पिस्टल लेके अपने को दाग ली, दो तीन मार दी कारतूस अपने पेट के अंदर, धड़ाम से गिर गया। सवेरे पिताजी उठे, आहा इस घर को आग लग गई, घर के चराग से जो चोरों उचक्कों पर पिस्टल चलती थी आज सगे बेटे ने अपने ऊपर लगा ली। शाबाश, ये इंद्रियां जो हमारे साथ इन्होंने हमदर्दी शो करनी थी अज्ञानता के मारे ये हमें तबाह कर रही है। अज्ञानता के अंदर ये इंसान ये नरनारी आज देख नहीं रहे, और मैं तो यहां तक भी कहूंगा भगवान क्षमा क्षय नहीं करेंगे मुझे, क्या भगवान को तरस भी नहीं आता।
कि ये अबोध बच्चे और इनको दी गए अंग, इनको पता ही कोई नहीं। मैंने भगवान को एक शिकवा भेजा, भगवान आप जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रही हैं, जैसे वो भोली अम्मा लूनकी खोल का लूनकी जिसमें मिर्चे काली हैं, लाल भी हैं, नमक भी है, हल्दी भी है और भी प्रयोग वाली चीजें हैं, खोल के उसका ढक्कन, अबोध बच्चा जो कि अभी 2.5 साल का रींगना सीखा है, अंदर चली गई आटा छानने के लिए। अब बच्चा तय नेस कर रहा है, हाथ मारी जा रहा है आंखों को इधर उधर और चिल्लाए जा रहा है, मां सुन नहीं रही या ऊंचा सुनती। अब जैसे जुल्म किया मां ने अबोध बच्चे के सामने लूनकी खोल दी, इस तरह भगवान ने अबोध दुनिया वालों के सामने नाना प्रकार के प्राणी पदार्थ खोल के रख दिए, जो कि अज्ञानता में बड़े अट्रैक्टिव है, वेरी वेरी अट्रैक्टिव। ओ जेंटलमैन, ओ गुडमैन दी लालटेन, बहुत ही अट्रैक्टिव है ये चीजें अज्ञानता में। और मालिक ने ये तारी खोल के रख दी है, किन के लिए? घुघुओं के लिए है। और जीव उलझते जा रही है शब्दों के अंदर, रूपों के अंदर है, सुगंधी के अंदर है, खाने पीने की चीजों के अंदर है और स्पर्श के अंदर है। ये कितनी गंदी इंफॉर्मेशन अंदर भेज रही है, हार्मफुल इंफॉर्मेशन अंदर जा रही है और अंदर और अंदर। इसी तरह बुरा हाल हो रहा है, जैसे पड़ोसी देश वाला पड़ोसी देश को तबाह करने के लिए घुस बैठिए भेज देता है। समुदाय का नाम ही चरित्र है। नाना प्रकार की बुरी आदत इज इक्वल टू बैड करेक्टर। अरिशम जी, ए नाना प्रकार की बुरी आदत इज इक्वल टू क्या? चरित्र भ्रष्ट। फलाने का चरित्र बड़ा भ्रष्ट है, अर्थात उसकी आदत गंदी है। उसका मतलब क्या? उसके विचार गंदे हैं। विचार गंदे क्यों है? इंद्रियों ने गलत अशुद्ध इंफॉर्मेशन अंदर भेजी है और बुद्धि ने गलत निर्णय करके उन कर्मों को बार बार करने की आज्ञा दी है, जिससे के संस्कार पड़ गए और इंसान गंदा हो गया, बहुत ही गंदा हो गया। ये इसने कहां का लिए? बुरी जगह जा करके, बुरे स्थानों में जा करके। इसलिए कहा जाता है क्या? रंगत अंबाला में सिनेमा हॉल भी है, एक ही अंबाला के अंदर सत्संग भवन भी है, जनता यहां भी इकट्ठी होती है, जनता उधर भी इकट्ठी होती है। आकाश पताल का अंतर है कि नहीं मेरे बेटे? कितना अंतर है। गैदरिंग वहां भी है, कॉन्ग्रेगेशन यहां भी है, बड़ा भारी, दोनों में बड़ा अंतर। कितना अंतर है, यहां का प्रभाव क्या होगा? देख हम यहां भी रहे हैं, देख वो वहां भी रहे हैं, सुन हम यहां भी रहे हैं, सुन वो वहां भी रहे गए, बैठे हम यहां भी बेंचों पर हैं, उधर भी कुर्सियां मेज लगी हुई हैं, वो भी है, वो जरा क्लोज्ड है, ये जरा ओपन है, ये प्रकृति की गोद में है, वो शैतान की गोद में है, गोद दोनों है, वो भी गोद है, ये भी गोद है। अब उनका इफेक्ट क्या होगा? इसका कितना भारी और कितना अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। तो भगवान क्या कह रहे गए? जो विज्ञानी बन गया, हाँ कुटस्थ हो गया, वो इंद्रियों के पुराने सारे विषयों को फूंक के रख देता। अब वो बुरा नहीं सुनता, बुरा नहीं देखता, बुरा नहीं बोलता, बुरा नहीं सूंघता, कुछ भी उनकी जो बुराई थी, नाउ नो मोर। इट मींस क्या हो गया? ओवरहॉलिंग, इंटरनली एंड एक्सटर्नली ओवरहॉलिंग होगी उसकी। उसके अंदर एक शानदार इनकलाब आ गया, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल ही, क्योंकि उसका बदल चुके हैं विचार। अगर हम सही रूप में जान ले, जैसा कि भगवान का सुन रहे गए, हा संसार में कोई चीज क्या देखने वाली है? जिसको आज आप देख रहे हैं, कल उसने नष्ट हो जाना है, उसमें तब्दीली आ जाएगी, क्या करोगे फिर? इनमें तृप्ति तो है नहीं, जितनी मर्जी या मनमानियां करते रहें, अखी देखना रजियां बहु रंग तमाशे, कोई तृप्ति होगी? इनको देखते रहेंगे, जितनी बार शिमला जाओ, कश्मीर जाओ, चेहरे देखते रहो, जाकर चंडीगढ़ इर्द गिर्द घूमते रहो, कभी तृप्ति होगी? इनमें तृप्ति कभी होनी नहीं, बढ़िया से बढ़िया चीजें खाते रहो, स्वाद में कभी तृप्ति होनी नहीं। इन्हें विचारवान ये जान जाता है, विवेकशील या विवेकशीला बेटी ये जान जाती है, इसलिए वो इधर देखने के लिए देखेंगे, तकने के लिए नहीं, पेट की भरने के लिए खाएंगे, स्वाद के लिए नहीं। हाय,
अब उनके कुछ और प्रकार का चक्कर चल पड़ा, वो नहीं चला। अब बैड इंफॉर्मेशन मेरे सजनों मेरे बच्चों अंदर जाएगी नहीं, इंद्रियां जीती गई। इंद्रियां अपने आप में बुरी नहीं है, यानी पार्ट्स ऑफ द बॉडी अपने आप में बुरे नहीं है। हाउ वी यूटिलाइज ऑल दीज, क्वेश्चन ये उठता है, इनका हम प्रयोग कैसे करते हैं, इन अंगों का हम प्रयोग कैसे कर रहे हैं। हाँ, ये सही रूप में संसार को समझने की कोशिश करो कि संसार परिवर्तनशील है, नाशवान है, कभी भी किसी को सदा के लिए तृप्ति इससे नहीं हो सकती। कितनी कोई कोशिश कर ले तृप्ति नहीं हो सकती संसार से, कोई कितना अपनी ओर से पुरुषार्थ कर ले अपने आप को तृप्त नहीं करेगा। बस संसार के प्राणी पदार्थ जैसे मर्जी बने रहे, कई कहते भगवान ने ऐसे बना दिए हैं, ऐसे बना तो दिए हैं, सिनेमा भी तो बना दिया, आप क्यों नहीं जाते, क्लबें बनी पड़ी आप क्यों नहीं जाते, बागात बने हुए हैं, पार्क बने हुए हैं, वेल आप क्यों नहीं जाती, देख लीजिए ना। इसलिए कहा जाता है क्या, यू कैन नॉट, स्वामी जी का फरमान, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द माउंटेन, यू कैन डिस्ट्रॉय द आइडिया ऑफ द माउंटेन। बड़ा गजब का भाव है, तुम दुनिया के प्राणी पदार्थों खत्म नहीं कर सकते, तुम उनका चिंतन खत्म कर सकते हो। यू कैन डिस्ट्रॉय द आइडिया, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। ओ जेंटलमैन, कम ऑन एंड चेक इन, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, यू कैन डिस्ट्रॉय द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड। इट डिपेंड्स अपॉन योर माइंड, इट डिपेंड्स अपॉन योर थिंकिंग ट्रेंड ऑफ माइंड। हम संसार के किसी पदार्थ को प्राणी को खत्म नहीं कर सकते, हम उसका चिंतन ना करेंगे हमारे बस की बात है। दुनिया के सिनेमे हम खत्म कर सकती है, बने रहे बेशक और बनते रहे, हमारे में उसका विचार ना आने पाए, हमारे जैसे हमारे में सिनेमा हुआ ना हुआ, शराब की दुकानें खुलती रहे हमारी बला से, हमारे में हम शराब का दिल ही ना करे, हमारे लिए जैसे शराब की दुकानें हुई या ना हुई, ऑल द सेम हमारे में हमारा मन ही ना करे ऐसी चीजों का। ये दुनिया में बुरी चीजों को आज तक कोई खत्म नहीं कर सका, अपने में सब्जेक्टिव जा करके उसकी डिमांड खत्म कर दी। तो दुनिया में नहीं है ऐसी डिमांड, सो दी सप्लाई, जैसी मांग वैसी पूर्ति, हमारा मांगते नहीं, हमें पता है कि इसकी तबाही तबाही है, हमें समझ आ चुकी है ये पहले है अमृत फिर जहर है, रजोगुण मुसर्रत की एक लहर है, हमने अपने मन में बिठा लिया है। संसार की चीजें भले ही बनी रहे, हमें नहीं, गाहक की ना कुछ लेवे तो दलाल क्या करे, हम ही नहीं चाहते दुनिया शर्मिंदा हो जाएगी, हम ही नहीं चाहते दुनिया शर्मिंदा, हम ही नहीं चाहते। आए हाय, आप चाहेंगे तो किसी चीज की वैल्यू बनती है, जनाब ना चाहे वैल्यू जीरो। हाय हाय, आप चाहते हैं तो वैल्यू है, आप ना चाहें तो वैल्यू जीरो। दुनिया की जिनकी लाख लाख कीमत है तब है जब कोई चाहता, अगर कोई ना चाहे तो धक्के खाती रहे बाजारों के अंदर, कोई ले ही ना उनको, उठाई ना, शाबाश शाबाश शाबाश। तमन्ना सर्व अपनी इच्छा, और हम इच्छा करते हैं अज्ञानता से, उसको सुखदाई समझ लेते हैं, हालांकि सुख के घर परमात्मा है। मैंने कई बार कहा दुनिया के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, दुनिया के प्राणी में इतवार न किया जाना चाहिए। हम गलती हम इन पर डिपेंड कर लेती हैं, ये समझते हुए कि ये सुखदाई है, फिर हमारा मन लजताता है और इंद्रियों का मिसयूज करता है, फिर गंदी गंदी इंफॉर्मेशन भी अंदर जाएंगी, आहा मौत बहुदा इंफॉर्मेशन जाएंगी। सो मेरे माताओं बच्चियों बुजुर्गों और मेरे विचार बनते जा रहे भाइयों, जरा भगवान की इस फिलॉसफी की गहराई उतर जाना। जो महाराज जी के प्यारे हैं, क्या जितेंद्रिया, वो इंद्रियों पर कंट्रोल उनके होता है, अर्थात वो ना गंदा सुनते हैं, ना गंदा बोलते हैं, ना कुछ करते हैं, अपने आप में मस्त है, अलमस्त है। चल दुनिया शर्मिंदा हो गई, दुनिया के प्राइम शर्मिंदा। अच्छा, हम बाग में मैं और आप गए, हाँ नाना प्रकार के सुंदर अति आकर्षक अति मनोहारी अति चौर्म फूल फूल खिले हुए हैं, हम मैं और आपने मत्था टेका, वाह मेरे मालका कैसे मुस्कुरा रहा है तू इनमें। बस हमें भगवान याद आ गए, संसारी आदमी होगा लपकेगा तोड़ेगा और उनको नाक के साथ लगाएगा, खुशबू लेकर लटके में जरा कुछ और प्रकार की बनाएगा। हमने ना तोड़ा ना कुछ किया, भगवान की खूबसूरती को मुस्कुराहट को देख करके अपनी भक्ति को अपने भाव को और बढ़ा लिया। वो भी इंसान गए, हम भी गए, हमने तोड़ा नहीं है, जो किसी ने आवाज दे दी थी पीछे से, फ्लावर इज टू सी एंड नॉट टू प्लक, इनको हमने प्लक नहीं करना। ब्यूटी इज टू एंजॉय एंड नॉट टू टच, ब्यूटी मस्ट बी एंजॉय
कोई इंजार करने के लिए मुरली कदन, बट नॉट टू टच। टच करेंगे अगर हमारी कामना गंदी हो, हमारे ख्याल गंदे हो, देन मन में आएगा दैट इट मस्ट बी टच्ड। लेकिन हम इंजॉय कर जाएंगे। मालिक ने देखे, वाह कमाल है मेरे मालिक, क्या कुदरत वाले तेरे कुदरत बनाई है, दैट इज ऑल। जरा भाव बनाइए, गहरे उतर जाइएगा। दुनिया तो जैसे भगवान ने बनाई है सो बनाई है, अब हमारी इच्छा है कि हम चाहती हैं? नहीं जी, हमारी चाह नहीं है, हमें असलियत का पता लग चुका है। हम तो उस वस्तु को चाहेंगे हाँ जो हमें दिन प्रतिदिन खुशी शांति आनंद देती रहे, दिन प्रतिदिन हमें आराम देती रहे। आहा, एक बड़े अफसर आए, भाई आप नौकरी चाहेंगे? जरूर। तो आप कल अटेंड कीजिए। कभी भी नहीं अटेंड करूंगा। अभी आप तो कह रहे हैं कि मुझे नौकरी चाहिए, और फिर कहते हैं अटेंड सरकार, मैं तो परमानेंट नौकरी चाहता हूं। नहीं तो ये तो हड़ाक हड़ाक है, तो अड़ाक बेस पे है, तो मुझे हड़क बेस पे नहीं चाहिए, मुझे तड़ाक बेस पे चाहिए। तड़ाक जो रेबड़ियों के तड़े तड़ तड़ बजे, मुझे वो चाहिए, मुझे हड़ाक नहीं चाहिए, मुझे तड़ाक चाहिए। तो बस फिर जो नौकरी चाहिए, हाँ सरकार तो कल आ जाइए। न सरकार, मैं तड़ाक चाहता हूं, हड़ाक सिक्स मंथ बेसिस पे नहीं जाता, बल्कि लाइफ लॉन्ग बेस पे जाता हूं। मजा आ गया पुत्र। वेल सर्विस आई वॉन्ट बट नॉट टेम्पोररी बट परमानेंट। हाय हैप्पीनेस आई वॉन्ट नॉट टेम्पोररी बट परमानेंट। बहुत थोड़े जीव रह जाएंगे कल जो के अंदर जो इतना डिस्टिंग्विश करेंगे। नारी में तो बहुत, नारी वर्ग में बड़ी थोड़ियां नारियां रह जाएंगी जो इतनी बुद्धि का जिनका विकास हो जाएगा और इस बिना पर प्राणी पदार्थों को थूक देंगी। मैं इनको तब लेने को तैयार हूं जब इनसे मुझे दान काम शांति मिले। वो भी क्या, थोड़ी देर खुशी मिल गई और फिर क्या, फिर खुशी नहीं मिलती, मैं रोंदी रह जावा। मैं इस चीजों को पसंद नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। ये भी क्या, दुनिया वाली चीजें जब हमारा मन इनमें लगने लगता है तो वो चीज रस नहीं देती। जैसे उस दिन मैंने कहा था, अम्मा मेरी ना शादी कर बुढ़े नाल, पुत्री क्या करूं, तेरी उम्र बढ़ गई है ना, इतनी उम्र बड़ी हो गई है, अब तुझे जवान तो मिलने से रहा, ऐसा कंडेम भी मिलेगा ना। अच्छा अम्मा, कंडेम देनी है तो दे दे, फिर कोशिश करांगी, मन लगान दी, मन लगदा लगदा लग वैसी, लगेगा सही, पर जब मन लगा तो ए बुढ़ा सौरा मर वैसी। यही हर पदार्थ प्राणी का है। हाँ, जब हम दिल लगाने कोशिश करते हैं तो ये हमसे छीने जाते हैं। दाना आदमी इनमें दिल नहीं देता, नादान इनमें दिल दे के अपनी आफते बुला लेते हैं, अपनी मुसीबतें बुला लेते हैं। बेटे ये अब हमारी बुद्धि का विकास हो तब, अगर बुद्धि विकसित ना हो तो फिर प्रेम रात वो लेता रहेगा, रोता रहेगा, हालचाल को कहिए। इन्होंने तृप्ति देनी नहीं, इनसे परमानेंट हैप्पीनेस तो मिलनी नहीं। चाहती हैं हम, जैसे मैंने कहा था सर्विस चाहते हैं, तो कल आइएगा। ऐसा नहीं, हड़ाक बेस पे नहीं, क्या तड़ाक बेस पे। अब तड़ाक बेस पे तो फिर जनाब परमानेंट हो, इस तरह खुशी हम भी चाहते हैं, लेकिन संसार में परमानेंट खुशी देता नहीं, इसलिए संसार को हमारी फेयरवेल फेयरवेल फेयरवेल। रहेंगे दुनिया में पर दुनिया के तलबगार नहीं बनेंगे, दुनिया के तलबगार नहीं बनेंगे, क्योंकि दुनिया में यह बड़ा भारी नुक्स है, आज तक इसने अपने प्यारे को तृप्ति नहीं दी। लानत ऐसी दुनिया को, लानत, मुझे ऐसी दुनिया नहीं चाहिए जिससे जीव को तृप्ति ना मिले। तो हमें तृप्ति चाहिए, हमें परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, वो इनके पास है ही नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें क्या परिवर्तनशील है, नाशवान है। इसलिए भगवान कह रहे हैं ये बात जानकर अनुभव करके वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर चुका है। जब इंद्रियों पर कंट्रोल हो गए, संसार के सारे प्राणी पदार्थ फीके पड़ गए, क्योंकि पांच ज्ञान इंद्रियों ने इंफॉर्मेशन भेजनी थी, वो चाहता ही नहीं। उसकी चाह ना होगी तब ना, उतर 3 रुपए का सिरगट बिकता है हा? पर 3 रुपए छोड़ अगर 30 रुपए का बिके तो भी 0 है। क्यों, हम समोकर ही नहीं है, हम जाते ही नहीं है। उतर 100 रुपए की बोतल शराब की बिकती है, हमारे लिए 0 है, हम चाहते ही नहीं है। बात तो चाहने में है सिर्फ, अगर आप चाहते हैं तो वैल्यू है, अगर आप नहीं चाहते तो कुछ भी वैल्यू नहीं, 0। संसार नाम चाहने का है, ए मुन्नी घुन्नी, संसार नाम चाहने का है। और चाहता वो है जिसकी अकल की खिड़की नहीं खुली, जिसकी अकल की खिड़की खुल गई और ये हवा चली गई। मैं चाहूंगा पर उसको चाहूंगा जो हमेशा शांति दे।
हाय मैं चाहूंगा आय हाय, पर जो हमेशा शांति दे उसको चाहूंगी। जैसे मेरी कोई कोई दाना बेटी कहती है, दिल दूंगी एक को, हर एक को थोड़ा दिल दूंगी, मैं कोई विषय थोड़ी हूं, दिल दूंगी एक को, कंडीशन है। कितनी कंडीशन लगा कर रखती है तो बेटी, बड़े शानी है। दिल दूंगी एक को, वो भी किसी नेक को, ये भी कोई खरबूजे की फाड़ी है जो बांट दूं अनेक को। वकफ मन ना हुआ, खरबूजा हो गया, उसकी फाड़ियां फाड़ फाड़ के जने कने को देती रहूं। इसी तरह रब दा प्यारा कहता, दिल दूंगा एक को, श्याम सुंदर नेक को, जिससे परमानेंट हैप्पीनेस मिले और मैं आवागमन के चक्कर में ना हूं। फिर क्या हो गया, इंद्रियों पर कंट्रोल, फिर देर इज नो डिजायर, नो डिमांड। तो इंद्रियां तो तब काम करें जब आपकी डिमांड हो, डिजायर हो, काम नहीं रही। हा वन अंतर्मुखी है संसार के सब प्राणी पदार्थ, जीरो जीरो शुरुआत मैंने कर दी है, गहराई में आपको फिर ले चलूंगा। अध्याय भगवान जी इस अध्याय के माध्यम से हमें श्रद्धा और प्रेम पूर्वक एक बड़े जरूरी प्रसंग पर बता और समझा रहे हैं। ज्ञान विज्ञान त्रितात्मा कुटस्थ विजत इंद्रिया युक्ता इति उच्यते योगी समलोष्टश्म कांचना। हरि ओम हरि ओम तात्, हरि ओम तात। ज्ञान विज्ञान से जिसका अंतःकरण तृप्त हो चुका है, बहुत विस्तार पूर्वक जितनी प्रभु जी ने मुझे शक्ति दी आपको बता समझा दी गया है। कूटस्थ ऐसा व्यक्ति इनडिफरेंट रहता है, दुनिया में कुछ भी होता रहे उसका मन भगवान में लग गया है, सुख हो दुख हो हानि। चूंकि भगवान ने द्वंद्वों को मिला के दुनिया बनाई है, आप भली प्रकार जानती हैं, जोड़े के साथ दुनिया है, जोड़े के साथ दुनिया। जैसे अगर सुख है तो दुख भी साथ है, दिन है तो रात भी साथ है, मान है तो अपमान भी साथ है, सर्दी है तो गर्मी भी साथ है, संयोग है तो वियोग भी साथ है। अगर मालिक जिंदगी देता है तो मौत भी काणी आंख से पीछे पीछे देख रही होती है। इसलिए हजूर ने कहा कूटस्थ, कोई ये कहे कि मैं खुश रहूंगा, परिस्थितियों के अनुसार गलत, परिस्थितियां बदला करती हैं, परिस्थितियां सदा एक जैसी नहीं रहती, इनमें तब्दीली आ जाती है, इनमें परिवर्तन आना निहायत जरूरी नहीं, नागजीर है, अनिवार्य है, इनएविटेबल है। इसलिए वो इस पर आश्रित ही नहीं है। परमात्मा का प्यारा, आज वाले दुनिया, आज की दुनिया वाले बड़ी भारी भूल कर रहे हैं, जो प्रिय परिस्थितियों की उम्मीदें रखते अपने आप को शांत किया चाहते हैं। ये कभी हो नहीं सकता कि सब समय और सब दिन उनके मुताबिक हुआ करें, ये कभी बात बन सकती है? या भगवान ने दुनिया ही ऐसी बनाई है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इसलिए दाना आदमी अपनी किसी प्रकार की इच्छा रखते हुए सियाने और अपने इष्ट देव भगवान के अंदर अपनी सब प्रकार की इच्छा मिला देती है। मेरी कोई इच्छा नहीं मेरे माल का, जो आपकी इच्छा है वही मेरी इच्छा है, यूं कह करके हमेशा के लिए शांत हो जाती हैं। मैं आज फिर दोहराना चाहता हूं मेरे सजनों और मेरी अच्छी माताओं बेटियों, सुख और दुख की परिभाषा, सुख और दुख की तारीफ या डेफिनेशन हिंदू धर्म कबाड़ कर देता है। ये कहता हुआ क्या कहता है, सुख क्या है? मैं फिर कहूंगा, ध्यान सुनिएगा, जरा एकाग्रता पूर्वक अपने आने का पूरा लाभ उठाइए और मुझे मौका दीजिए कि मैं आपके पूरा पूरा लाभ आपको पहुंचा सकूं। हजूर की वाणी के स्पष्ट करता हुआ सुख और दुख की परिभाषा अपने हजूर बताते हैं, महापुरुष अपने बता गए। मन के टिकाओ का नाम सुख है, अगर मन हमारा टिका रहे, भटके ना, इसी को सुख कहते हैं। ध्यान देना, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, आज हमारा मन टिका रहे, भटके नहीं, इसको सुख कहते हैं। भगवान न करे किसी कारण से भटक जाए, बस दुख शुरू हो गया। अब जब तक ये पहली अवस्था में टिकेगा नहीं, हम दुख पाते रहेंगे। मन के टिकाओ बिठाओ जरा मन में, मन के टिकाओ का नाम सुख और मन के भटकन का नाम दुख। अब संसार के हालात, परिस्थितियां, एनवायरमेंट्स, सर्कमस्टांसेस, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये चले चक्कर चलेगा। जब से आपने होश संभाली आज तक देख लो, एक जैसे हालात न थे ना हैं और ना भविष्य में रह सकेंगे। दुनिया तो एक गिरगिट पक्षी की गिरगिट की तरह है,
कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये तो गिरगिट की तरह है, रंग जैसे गिरगिट रंग बदलता है, इस तरह ये भी रंग बदलती है। भगवान दुनिया भरा ये अपना स्वभाव छोड़ ही नहीं सकती। कोई लाख सिर पटके रोता रहा दुनिया को, खरी खरी सुनाता रहा, उसकी अपनी गलती है, इसका जैसा स्वभाव है ये इसने ऐसे रहना है। ये दुनिया जो है फितर बदलती नहीं और यहां जबर से काम चलती नहीं, या कोई कह के ऐसा हो जाए ये नहीं सकता। इसीलिए दाना आदमी दुनिया की इस स्वभाव को जानकर हां हां भगवान में अपनी छोड़ गए। और नादान आदमी जो दुनिया पे आश्रित है, हम ये रहेंगे उनके लिए तो महापुरुष कह के चले गए। क्या क्या क्या, ये दुनिया जनहीज पलेती केती मलमल धोंदे हूं, दुनिया कारण आलम फाजल गोशे बै बै रोंदे हूं, दुनिया कारण खलकत सारी एक पल सुख न सोंदे हूं। जरा भी कहीं सुख पा जाए दुनिया कारण से नहीं, आह 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 एक पल सुख न सोंदे हूं। एक पल भी दुनिया के कारण क्यों भाई सुख नहीं सोते, जो कि इस पर आश्रय कर लेती हैं, इसके आश्रित जाते हैं, सार लेती हैं, ये सदा एक जैसी रहती नहीं, उनको बड़ी नागवारा गुजरती है, उनके मन का तवाजन टूट जाता है। क्योंकि मैंने कहा मन के टिकाव का नाम सुख, तो मन का टिकाव रह नहीं सकता, मन भटक उठेगा, बड़ी जल्दी भटक जाएगा, फिर दुख। मन किसी कारण से ना भटके तो लाजमी बात है कि हम दुनिया में, दुनिया की परिस्थितियों में, दुनिया के रूपों में मन ही ना लगा। दैट इज ऑल, इन परिस्थितियों में और इनमें अपना दिल ही ना दे, भगवान पर छोड़ दिया। मेरे प्रभु जो तेरी इच्छा है वही मेरी इच्छा है, जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सोए। जिसने ये पक्का कर लिया हर हाल में खुश रहेगा, यू हो गया तो वो हो गया तो ठीक है मेरे दाता, जैसे आप कर रहे हैं इसी मेरी भली है, मेरी भलाई मेरी बेहतरी मेरी बहबूदी इसी में है। तब ऐसे दाना आदमी जिन्होंने अपने आप को मार दिया, इसे कहते हैं अपने आप को मार देना, जिन्होंने अपनी कोई इच्छा नहीं रखी, भगवान में सबको छोड़ दिया, उन्हें अपने आप को मार दिया, उन्हें आपा मार दिया, जैसे हो गया ठीक है मेरे इष्टदेव मेरे भगवान कृष्ण, जो आप कर रहे हैं इसमें मेरी भलाई है, इसमें मेरी बेहतरी है, जिस तरह भी आप कर रहे हैं, जैसे आप कर रहे हैं ठीक है मेरा भला इसमें है, मेरी बेहतरी और मेरी भलाई इसी में है। लो मेरे सजनों, तब आप हर हाल में प्रसन्न रहेंगे, सदा गदगद होकर रहेंगे, हमेशा ही आप अपने आप को संतुष्ट देखेंगे। अगर आपने लगा लिया मन दुनिया में, दुनिया ने बदलते रहना है और आपने क्या होता रहना है, दुखी होते रहना है। करोड़ा व्यक्ति से दुखी हो रहे हैं, वो मेरे लड़के क्यों हो गए, कारण देख लो, मेरे धन में कमी आ गई, मेरा बिजनेस खराब हो गया, मेरी सेहत खराब हो गई, मेरी घरवाली पता नहीं क्यों मेरे हक में नहीं रही, मेरे इन-लॉज मेरे अगेंस्ट हो गए हैं, सारे मेरे वैरी हैं, हम तो सबका भला करती हैं, हमारे सारे कानिया से हमें देखती हैं, कोई भी हमें अच्छा नहीं मानता, ये शिकवा ही हो रहा है ना, जिसको आप दुख कहते हैं यही है ना, पोत्र नहीं है हमारी गोदी में, हमारे पास कोई लोग इज्जत नहीं देता, हमारा तो ये नहीं बनता, हमारा तो वो नहीं बनता, कोई दुनिया करके आप शिकवे देंगे, उन्होंने दुनिया शिकवे देते ही नहीं, तो दुनिया में ऐसे होने नहीं, कभी कुछ ये तो बना ही रहना है, कभी कुछ होता ही रहना है। दाना हम दाना बने, अपनी इच्छा को भगवान में छोड़ दे, कुटस्थ हो गए, इसे बोलते हैं कुटस्थ, जो होता है होने दाता, मेरी तो चलनी नहीं, जब चलनी तेरी है तो मेरी गलती है जो मैं अपनी चलाऊं, मैं क्या चाहूं आप क्या चाहे, अरे क्या होता, मैं ये चाहूं आप वो चाहे, अरे भोली क्या होता है, ए मेरे बेटे मैं ये चाहूं आप वो चाहे, अजी क्या होता है, और होता वही है जो मंजूर है खुदा होता है। अगर ये बात सत्य है, इसके बाद भी हम अपनी इच्छा रखें सख्त भूल होगी। अगर ये बात आपके मन में समा गई है कि बात तो सत्य है, मैं ये चाहूं आप वो चाहें, क्या होता है, होता वही है जो मंजूर है खुदा होता है, और जो मंजूर है खुदा होता है उसमें सबका भला होता है, बिल्कुल सच्ची बात। बस फिर हमारे जिनके हम बच्चे हैं, हमारे पूर्वजों ने अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला दिया, अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला दिया, तो उसी तरह है जैसे किसी का बहुत बड़ा कारखाना, बड़ी भारी फैक्ट्री चल रही थी, हाँ उसका कोई दोस्त बन गया, सैर के लिए जाया करता था रोज, 5-6 महीने साल भर जाता रहा, हाँ अब उसने जो दोस्त बड़े लाखोंपति था जिसका कारखाना था, उसने कहा भाई हाँ
तू मेरे साथ मिल जा। भाई मेरी भी तो इच्छा यही है, नौकरी छोड़ दे। हाँ मैं मिल जाऊंगा जी, नौकरी का इस्तीफा दे आया। उसे रुपया अपना कुछ ग्रेच्युटी मिली, कुछ उसके पास पहले इकट्ठा था। हाँ आया और कहने लगा, भाई ये थैला देख। थैला, उसमें 100-100 के नोट। ये क्या लाया है? मेरी उम्र भर की इतनी ही कमाई है, 40 साल मेरी उम्र है और मेरी इतनी कमाई है। गिना 1.5 लाख, फैक्ट्री करोड़ों की है भाई, मेरे पास तो यही कमाई सारी उम्र भर की। ले अच्छा भाई कोई बात नहीं, चल। वो गया, उसका बड़ा भारी खजाना था इसमें, देख भाई लाखों रुपया इसमें पड़ा है। हाँ इसमें डाल दे। डाल दिया, ले आज के बाद तेरा मेरा आधा आधा। हाय आधा आधा कैसे? ना भाई आधा आधा, जब दोस्त है तो भगवान, दाना आदमी अपनी गंदी मंदी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं में डाल देते। ले मेरे दाती, आप जो करेगा मेरे उसी, जो तू करेगा मेरी वही, तेरा मेरा आधा आधा, जो मर्जी कर ले मेरा भला उसमें है। मेरे साथ बातें कर लो, बेशक मुझे आगे ना बोले दो। जब तक मैं और आप इस तरह नहीं करेंगे तब तक कुटस्थ हो ही नहीं सकते, पर हम रोते रहेंगे। ए सुन लो भोली भाली बेटियों, आप तो रो 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 के मर जाती हो, बहुत ही मर जाती हो। अपने आप को समझो कि अगर मैंने शांत होके रहना है, दादी अगर मैंने बहुत आराम पाना है और बिल्कुल शांत होके रहना है, अपने आप को मिला देना पड़ेगा। बड़े ध्यान से सुन ले जरा, अपने आप को हजूर में दे देना पड़ेगा, वरना सिकपे रह। ये क्या हो गया, वो क्या हो गया? भगवान हंसती है, अरे मेरा मेरा कहला करके भी अपनी इच्छा रखता है ना, मेरा कहला के भी। स्वामी जी बड़ा हंसाया करते थे, गुरुदेव स्वामी जी कहा करते थे, अस्प पे साथ बोझ धर, सर पे उसे उठाए क्यों। किसी ने घोड़ा लिया, घोड़ा था मांगवा, जाना था मंडी के अंदर। हाँ तो घोड़े वाले सेठ ने कहा, भाई घोड़ा मुझे पुत्र की तरह प्यारा है, ज्यादा बोझ ना डालना। तो उसने बोझ के लिए तो लिया था, दालें दूले और चने चुने, घर की जो खाने पे चीजें वो लानी थी। तो अब वो उसने चीजें इकट्ठी करी, उसकी बनाई खुर्जी, खुर्जी रख ली सिर के ऊपर, आ बैठ गया घोड़े पर। इस दृष्टांत में मेरी भमीरी घुमाई हुई है। अब रास्ते में मैं और आप जा रहे थे, देख देख के पाए हंसे और बगला जातवार के क्रा, 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 क्रा। अब वो कहता, अरे क्या बात है यार, पागल बड़े देखे पर तेरे जैसा पागल तू ही है। क्यों क्यों, मैं पागल हूं? हाँ फर्स्ट क्लास मैट्रिक मैंने की है, स्कॉलरशिप होल्डर हूं और मैं पागल हूं, आप जानते नहीं। हाँ सरकार, दुनिया अमल से नापती है बात से नहीं, तुम तो बिल्कुल ही जमी हुई पागल हो। कैसे पागल, तुम कहां बैठे हो? घोड़े पे बैठा हूं, तुम्हारी आंखें कौन डोडे? ठीक है सरकार, हमारी आंखें हैं। तो सामान कहां रखा हुआ? सामान मैंने अपने सिर पे रखा। ये बोझ कहां जा रहा है? मेरे कंधों पर बोझ जा रहा है। और कंधे तुम्हारे कहां है? मेरे धड़ के साथ। धड़ तुम्हारा कहां है? जांघों के साथ। जांघे तुम्हारी कहां है? घोड़े के ऊपर। और बोझ किसके ऊपर? मेरे ऊपर। हजार पेट मरो मजाले वो मन भी जाए, बोझ मेरे ऊपर है और मेरा किसके ऊपर है? घोड़े पर। इसी तरह भगवान कहती है, तुम किसके हो? प्रभु आपके। और आपके दुख किसकी है? मेरे। लगाइए अंदाजा, भगवान भी क्या कहेंगे फोके भगत। ये 20वीं शताब्दी के बाद आप बार बार कहते हो, मात पिता तुम मेरे शरण पड़ूं किसकी, हे दाता शरण पड़ूं किसकी, तुम बिनो न दूजा आस करूं जिसकी। तो मेरे माता पिता हो, तो मेरे सर्वस्व हो, तो मेव सर्व मम देव देव। उसके बाद चिंता फिकर हम करते रहे, समर्पण में हमारे कमी, हमने अपने आप को कुर्बान नहीं किया। ग्रस्ता आश्रम में रहने वाले हो, जरा ध्यान से, या तो हम भगवान के प्यारे ना बना करें, अगर बनना है तो पूरा रूपेण बन जाए। या तो बच्चा स्कूल ना गया करे, मैं तो कई बार कहा करता हूं, या किसी काम को करो नहीं, या करो तो उसे सिरे चढ़ा के दिखाओ। किसी ने हमें तलवार नहीं रखी कि यह काम करो। या तो हम भगवान के प्यारे ना बने, प्यारे बने तो पूरा रूपेण बन जाए, कि जब दाता मैं आपका बन गया तो मेरी जो चिंताएं फिकर वो मेरी रह जाएंगी, वो भी आपकी। तब भक्ति दिन दुगनी रात चौगुनी हुआ करेगी, तब मन बिल्कुल एकाग्र हुआ करेगा।
इधर आप कहलाते भगवान के, चिंता हमारी है, घोड़े पे बैठ करके बोझ अपने सिर पे रखना है और बैठना घोड़े के ऊपर, तो वो बोझ कहां जाएगा, वो भी तो घोड़े पर ही गया, वो भी तो घोड़े पर, फिर इस तरह आदमी सही रूप में भक्ति नहीं कर सकता। पॉइंट पकड़ लो, सब प्रकार की इच्छा भगवान के चरणों में ले मेरे दातिया, मैं क्यों फिक्र करूं जब तुम मेरे बन चुके हो और मैं आपका बन चुका हूं, वाई आई वारे। बड़ी गलती है, जी मंदिरों में धर्म स्थानों में जाते हैं, इस नुक्ति को नहीं पकड़ सकते, मन विक्षेपता में रहता, फिर हम कुटस्थ कैसे बनेंगे, फिर एकाग्रता कैसे आएगी, एकाग्रता नहीं आएगी तो ध्यान अवस्था कैसे बनेगी, ध्यान अवस्था नहीं मिले बनेगी तो भगवान के दिव्य दर्शन कैसे होंगे। ये कभी ना भूलना, भगवान के दर्शन कब होते हैं, 71वां श्लोक दूसरा अध्याय, जब आपका मन बिल्कुल टिक जाता है, बिल्कुल, आई एम मेकिंग नाउ, बिल्कुल बिल्कुल, जब मन टिक जाता है, चंद्रमा के पानी में दर्शन कब होते हैं, जब पानी बिल्कुल टिक जाए, पानी हिले नहीं, ये दृष्टांत याद रखना। पूर्णिमा का चंद्रमा हम थाली के पानी में देखना चाहते हैं, हाँ थाल के पानी में, तो कब होगा, जब पानी हिल रहा है धीरे धीरे करके, पानी को रुकने दो, पानी रुक गया, अब चंद्रमा के साथ चार आंखें कर लो। इसी तरह भगवान के दर्शन कब होते हैं, जब मन बिल्कुल शांत हो जाए, एकाग्र हो जाए, बिल्कुल टिक जाए। तो टिकता क्यों नहीं, पानी क्यों टिकता, हवाएं उसे खराब कर रही हैं, और मन क्यों टिकता, कामनाएं और मोह उसे खराब कर रहा है। तो इसलिए मेरे भगवान ने कहा, जो इंसान करे ख्वाहिशें दिल से हवस का न हो, जिसके ये हवाएं मन के लिए, ये हवाएं हैं जो हिला देती हैं, ध्यान देना मेरी बच्ची। तो जो इंसान करे ख्वाहिशें दिल से दूर, हवस का न हो जिसके दिल में फतूर, ना उसमें खुदी हो ना हो मेर तेर, सकू उसको हाथ से ले दिल उसका शेर, आगे भगवान जी को लाजमी तौर पर कहना ही चाहिए था, यही है मकामी वसाले खुदा। बस आगे क्या बोलना, अर्जुन मेरे दिव्य दर्शन करने से पहले मन की ये अवस्था बन जाती है, कभी ना भूलना सजनों। दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक कभी ना भूलना, भगवान के दर्शनों से पहले क्या अवस्था बनती है, आपकी शादी से पहले क्या अवस्था बनती है। बाबा सच्ची बात बताऊं, आपने भरी जनता में पूछा है, पहले हम पढ़ जाती हैं बिल्कुल, फिर हम ट्रेनिंग लेती हैं बिल्कुल, फिर हमारी नौकरी लग जाती है बिल्कुल, फिर 3600 आने लग जाती हैं, कई आके ऑफर करती हैं अपने आप को, जब आपने पढ़ भी लिया जी और कमाना भी सीख गए जी हाँ, उसके बाद परमानेंट सर्विस भी हो गई जी हाँ, उसके बाद कई ऑफर आएंगी, मैट्रिमोनियल में जाने की जरूरत ही कोई नहीं, अपने आप ही आती रहेंगी। बहन इसी प्रकार हम भगवान के दर्शन कबल कब होते हैं, जब मन में कामना खत्म हो जाती है, वासनाएं रहती नहीं, मोह हमेशा के लिए रूठ जाता है, मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है, स्थिर मन में भगवान कहती है मैं अपने दर्शन देता हूं। अजमा के देख लो, हर मेरा बच्चा, मेरा बुजुर्ग खास करके जो बुजुर्गी में है, मेरी माताएं जो प्रौढ़वस्था में है, अजमा के देख लें, जब तक मन हिलता रहेगा कोई कारण होगा तब प्रभु से दूर रहोगे जी, और दुनिया में कोई कारण बने रहेगा, कभी घर वाला बीमार है, कभी काका बीमार है, कभी काके की घरवाली ठीक ही नहीं हो रही, अगर काके की घरवाली कोई ठीक होती है तो काका नौकरी नहीं जा रहा, अगर काका नौकरी जा रहा है तो छोटे काके की अब शादी होने वाली है, खप मचेगी, तो कोई ना कोई टंटा घर में बना रहेगा, और घर में कोई टंटा तो मन मेरा बन गया बंटा, इसको कोई ना कोई कामना आके खेलती रहेगी और मन बेचैन, ये नुक्ता पकड़ने योग्य। अगर सही रूप में आप मेरे आने का और वाणी सुनाने का लाभ उठाना चाहती हैं, एक बारी मन को टिका के देखो, कोई नुक्ता पकड़ लो कि हमने भी किसी भगवान के भक्त की संगत की थी और उसने हमें भगवान की वाणी सुनाई थी, मजा तब आता है। मेरे बुजुर्गों बच्चों बताओ बेटियों, कथा सुनाने वाले बतेरे आएंगे, शायद गीता सुनाने वाला कोई नहीं आगे मैं मान सकता हूं, पर कई साधु रूप में, कई महात्मा रूप में, कई मुनि महाराज जी के रूप में कई आएंगे सुना जाएंगे, मेरा सुनाना इस रूप में निराला है, मैं चाहता हूं जो कुछ मैंने पाया है वो आप भी पा लो। सुनाने वाले बतेरे, सुनने वालों में कोई कमी नहीं, बतेरे डोंडियां पिट जाती हैं, सब जनता भाग पड़ती है, मतलब ये है कि जो सुना रहा है
उसके अनुसार बन के देख लो, बस सीधी बात बात खत्म। जन्म सफल हो जाए, आपका सुनना सफल हो जाए, मेरा यहां पर रहना सफल हो जाए, और बात इतनी सी है और निक्की जी गल की कहानी बन गई। कल वाली मुन्नी देखो रानी बन गई, बात इतनी सी है, मन को ठिका देना, छोटी सी बात है, मन टिक जाए। आप गृहस्थियों को टिकता नहीं क्योंकि आप लोग सही समझते नहीं हमारी बातें। भी मन टिका लिया, भगवान के बन गया, अपना पुरुषार्थ कर दिया, आगे परमात्मा जाने। इसलिए मेरे भगवान ने यह पाठ पढ़ाया है कि हमारा मन हिले नहीं। क्या पाठ? तुझे काम करना है ओ मर्देकार, नहीं उसके फल पर तुझे। इस चंद्रे फल की ओर अगर नजर ना मारे तो मन हमारा बिल्कुल शांत हो जाए। मैंने पुरुषार्थ कर दिया, अब मेरे भगवान जाने और मैं कर कह सकता हूं। जितनी शक्ति बौद्धिक मानसिक और शारीरिक भगवान ने मुझे प्रदान की थी, उस शक्ति का पूरा सहारा लेते हुए मैंने अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आगे मेरे इष्ट देव जी जाने, मन आपका बिल्कुल शांत, पूरी कोशिश करो कि मैंने अपने मन को शांत करना, ये इनके इन प्रकार इन मैंने अपने आप को शांत करना है। पूरी हीला मारो बच्चे, पूरी कोशिश करो कि मैंने शांत करना है। जैसे आपके मन में होता है कि मैंने भी ये करके छोड़नी है, येन केन प्रकारेण मैंने अपने मन को, मैंने भी ये कर लेनी है। इसी तरह कहो, येन केन प्रकारेण मैंने अपने मन को शांत रखना। ये तो चक्कर चलता ही रहेगा, दुनिया में तो कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, ये तो कभी कुछ ये तो कभी कभी, ये ना हो ये तो होता रहेगा। अगर हम सही रूप में सत्संग में आके पूरा पूरा लाभ सत्संग का और हजूर की चोटी की वाणी का उठाना चाहते हैं, अपने मन को ठिका लें, बिल्कुल ठिका लें, वरना ये दुनिया में चक्कर चलेगा ही। कुछ सतयुग थोड़ा कल युग है, कल युग में कभी सामाजिक बिगड़ जाए, सामाजिक के हालात बिगड़ते हैं, कभी पारिवारिक, कभी व्यक्तिगत रूप में बिगड़ते हैं, कभी विश्व रूप में हालात बिगड़ रहे हैं, ये तो बिगड़ेंगे, कल युग है। कभी आप इसे ठीक है तो घरवाली की ठीक नहीं, कभी घरवाली ठीक है तो आप ठीक नहीं, कभी आप और घरवाली दोनों ठीक हो तो जो बच्ची है वो ठीक नहीं है, कभी बच्चे ठीक है तो जो ब्याह गई है धीया वो ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं तो होगा ही, दुखों का शिकारी फिरता है। अगर आपके कबूतरों को गुलेल नहीं मारेगा तो इधर गुलेल मार बैठे, उन्हें कहीं ना कहीं तो गुलेल मारनी है। दुखों का फिरता है कौन शिकारी, कहीं ना कहीं तो मारेगा, तो चोट लगेगी आपको, पहले ही सोच लो मेरे मतदाता, बस ये तो चक्कर चलेगा। भगवान ने दुनिया को मुकम्मल बनाया नहीं, कभी कुछ। इसी तरह जिनकी बुद्धि ज्यादा थी दुनिया छोड़ के निकल गए। किस दुनिया में पकड़े क्या, जब सदा तो एक जैसे हालात रहते नहीं, इसको पकड़ू मैं क्या, बिल्कुल तंग आके निकल गए, बिल्कुल तंग आके, क्योंकि ये इतबार के काबिल नहीं है, ये पुत्र इतबार के काबिल ही नहीं है। आपने करी शादी, हाँ शादी करी, जिस घर वाली के साथ शादी करी है कमाल है, घर ही नहीं बैठती। आप पूछते रहे कहां है, मिशन में गई थी। उसके बाद आप कहते हैं अरे तेरे भोजन ही बनाया, भोजन बना, मेरे मेरी रुचि नहीं है भोजन बनाने की, तो कहां गई थी, मैं पार्क में गई थी। फिर आप पूछेंगे अरे थी रात के बाहर है तो कहां गई थी, मैं क्लब में गई थी। ऐसे को कौन बसाएगा, ऐसी घरवाली को कौन बसाएगा। अभी ताजा घटना परसों की बात है, अपने नजदीक के गांव से एक श्रीमान जी अपने घरवाली को लाए, अभी परसों की बात, बाबा को इस पर मंत्र पढ़, क्यों क्या हुआ, इससे पूछो क्या मेरी शादी इसके साथ नहीं हुई। बेटी बोल, अभी परसों की बात पुत्र, तेरी शादी इसके साथ हुई है। हाँ, फिर ये क्यों तुझे लाए हैं, मैं घर का काम ही नहीं करती, अपने मुंह से कह रही है। बेटी क्यों नहीं करती, मेरा दिल ही नहीं करता, तो कौन करता है, ये खुद करती है, अपने मुंह से बोलती जा रही है। पुत्र रोटी कौन पकाता है, ये खुद पकाती, और तू, मैं बैठ के खा लेती। गजब की बात पुत्र, गजब की बात, इस पर दुनिया रूपी प्लेटफार्म पर क्या क्या नहीं हो रहा पुत्र, क्या मैं तो तू क्या कर? किसी किसी दिन मैं आटा गूंथ देती हूं, किसी किसी दिन आटा गूंथ देते, किसी किसी दिन, सच्चाई की बात कह रहा हूं आपसे, तो उसके बाद पकाते ये हैं, तू क्यों नहीं करती, मेरा दिल ही नहीं करता। तेरा दिल अगर मैं उसका होता, रिश्तेदार ये गालें उसकी लाल कर देता। तेरा शादी करने का मतलब, तेरा इस घर में आने का मतलब, तेरी बैठ के फोटो खींचा करे, तेरी बैठ के क्या क्या करे, ओम जय जगदीश हरे आरती उतारा करे तेरी,
हे देवी भवानी, तू जो आई है तो मेरे लिए नहीं करता, मेरा मन ही नहीं करता। आटा गूंथ देती हूं किसी किसी दिन, जब मैंने थोड़ा ध्यान मारा दिमाग पर, 14वें दिन एक बार, 14वें महीने में 2 बार आटा गूंथ देती हूं, और बाकी सारे काम ये करे मेरा दिल ही नहीं करता। ये मुझे हाथ खींचते रहते, चलना भागा भर के चलना, नहीं मेरा नहीं दिल करता, मेरा दिल ही नहीं करता। देखिए जरा, ऐसी बसेगी कभी? कभी नहीं बसेगी। परमात्मा के साथ भगवान ने दुनिया बनाई ऐसी है, आज तक किसी की बनी, आज तक किसी की नहीं बनी। दुनिया कहती है तुम बेवकूफ हो जो तुम मेरे बनती हो, मैंने किसी का बनना ही नहीं। हम पूछते हैं दुनिया तू ऐसी बेवफा क्यों है? मेरा कसूर नहीं, मेरे बनाने वाले ने मुझे ऐसा बनाया है। हाय, पुराणों में पढ़ने का मुझे मौका मिला, एक बूढ़ी माई दोपहर के समय निर्जन स्थान में जहां सुनसान था, बड़ी चीखों पुकार कर रही थी बच्चे की लाश के आगे। उसका अपना इकलौता पुत्र था, उसकी अपने जान के ऊपर बच्चे के उसका सिर रखा हुआ है, और छाती कुट रही है, सिर कुट रही है, बाल आधे तोड़ दिए हैं। अचानक भगवान की प्रेरणा से नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे बीना बजाते हुए, चीखों पुकार की थोड़ी सी आवाज आई, नीचे देखा, धीरे धीरे करके उतरते आए। देवताओं के धरती पर पैर नहीं लगते, थोड़ा सा ऊंचे खड़े हो गए। पूछा, देवी क्या बात, आप कौन? मैं नारद। नारद जी क्या बात? नारद जी, ये मेरा इकलौता ही पुत्र है, इसका बाप कई साल पहले मर गया। हाँ, मैं बहुत ही गरीब हूं, तो हम बाप माँ बेटा दोनों जंगल में आया करते थे, तो वो देखो कुल्हाड़ी, ये मेरा पुत्र दरख्तों पे चल चल के लकड़ियां काटता, मैं नीचे बंडल बनाया करती, हम दोनों माँ पुत्र सिर पे रख करके बेचते और अपने सवेरे शाम का पेट भरने का जो है हीला बना लेते थे, तो आज मेरा पुत्र ऊपर चढ़ा, हाँ नीचे से सांप गया मेरे पुत्र को काट खाया, बच्चा धड़ाम से मेरी अम्मा कहता हुआ गिर गया और सांप छलांग मार के इस बिल में घुस गया है, मेरे बच्चे को खा गया, अभी लो। नारद ने मंत्र पढ़ा, मंत्र की ताकत से सांप सपनी समेत मार आ गया और फन फैला के बैठ गया। नारद ने कहा, नाग तूने इस बच्चे को मारा? और ताकत दे दी इंसानी बोली बोलने के लिए, जी सरकार, मैंने ही इसको डसा है। क्यों डसा? जो नारद जी के मुंह में आया गरम ठंडे शब्द निकाल गए, निकाल दिया। आखिर आदमी कितना बोलेगा, आप नंदा जी ना बोले, दूसरा आदमी बोल 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 कर आखिर में थक जाएगा। लड़ाई को खत्म करने का बेस्ट तरीका यह है, एक बोले दूजा ना बोले, तो थक गए। उसके बाद नारद जी थक गए, तो नाग ने कुछ और कहना हो देवता जी तो कहिए, कहां आप कहां मैं, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, ये भी मेरे भाग अच्छे हैं कि मंत्र द्वारा आपने मुझे अपने दर्शन देने के लिए बाहर तो बुला लिया, बहुत अच्छे मेरे, मैं तृप्त हो गया, मैं रज गया, तो एक बात कहना चाहता हूं अखीर में, अगर आप आज्ञा दे तो। हां, आप कहां जा रहे थे? मैं अपने भगवान के पास जा रहा था, तो बीच में मैंने ये दर्द भरा दृश्य देखा, तो नारद जी जो कुछ आपने कहा इससे भी कह लो तो भी थोड़ा है, मुझे कोई उजर आपत्ति नहीं है। पर नारद जी मुझे किसने बनाया? अरे सबको बनाने वाले भगवान हैं, नारायण हैं। नारायण से कहिएगा हाँ कि रास्ते मैंने ऐसा बहुत ही भयानक दृश्य देखा और एक नाग ने एक इकलौते बच्चे को काट खाया था, हाँ, और मैंने जो मेरे मन में आया मैंने कहा, तो फिर मैं भगवान जी को क्या कहूं? भगवान जी को ये कहना, हाँ कि मैं तो आपका प्यारा था, हाँ मेरे मन में दर्द भरा मैंने कह दिया, दर्द में मन भराया तो मैंने कह दिया, पर सांप के पास जहर के सिवा और है क्या? हे दाता तूने मुझे क्यों बनाया और मेरे में जहर क्यों भरी? नारद नीचे उतरे, प्यार किया, हाथ ऊपर फैला दिया, सांप तुम ठीक कहते हो, तुम्हारे में है ही जहर, मेरी गलती थी जो मैं तुमसे अमृत की उम्मीद रखता था, आपके लिए चुन चुन के नुक्ते लाता हूं, अपनी झोली में रख लिया करो, मेरे पास है ही जहर,
तुम उम्मीद रखती हो कि मैं अमृत देता इस पुत्र को कहां से देता, और रही बात मैंने डसा, प्रेरणा देने वाले तो भगवान है, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी, मैं निमित्त मात्र बना और कट दिया, वरना तो इसका दिन अपने आप आया हुआ था, कारण मैं बन गया हूं। मारता है ना कोई मारा जाता, समय आ जाता है हीले रिजक बहाने मौत, तू मैंने मार दिया। नर जी मुस्कुरा दिए, आशीर्वाद देते हुए चल दिए। अब वो व्यास जी लिखती है, ए पाठक जरा इस बात पे सोच, तुम दुख इसलिए पाती हो कि दूसरों से वो उम्मीद रखती हो जो वो दे नहीं सकते आपको, जो जैसा संस्कारी है उसने वैसे करना है, हम उम्मीद इसको उल्ट रख लेते हैं, हम इसके उल्ट उम्मीद रखते हैं, शाबाश जो वो दे नहीं सकते वो दे कैसे, बनाया है जो तेरी फितरत ने धर्म, कराएगी फितरत वही तो इससे कारण, अब जैसा जिसका स्वभाव है उन्हें करना वही है, अब प्रकृति को भगवान ने बनाया कैसा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, अपने घर पड़ी है वही स्कूटर घसीट के ट्रक वाला कहीं कहीं ले गया, लगाओ अंदाजा कर लो बातें, चंडीगढ़ में घटना हुई है, वह भी दोनों सगे भाई पेट्रोल डलवाने के लिए गए हैं पेट्रोल पंप पर, हाँ इधर से बस वाले ने भी डीजल डलवाने के लिए मोड़ा है, उनको अपने साथ ही घसीटता गया और वहां तक दोनों मर गए। उत्तर, इस जमाने में कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, या एक जैसे हालात रहे कैसे, या ये बात बने कैसे, हो ही नहीं सकता। सामने की दुर्घटना, अभी मेरी बेटी मुझे सुना रही है, कॉलेज की लेडी प्रोफेसर, प्रिंसिपल साहब के पिताजी की मृत्यु हुई है, उनको सारे कंडोल करने के लिए गए, आती बार प्रोफेसर के पीछे बैठ के आ रही है कि मुझे अपने घर में छोड़ देना, रास्ते में मोटरसाइकिल जरा ऊंचा हुआ, वो आप बैठती बड़ी गलत हो, जरा स्कूटर मोटरसाइकिल ऊंचा हुआ, पीछे से वो उछली सलाम से सड़क के ऊपर, इधर से जा रहा था उसी के ऊपर ट्रक भी। पॉलिटिकल साइंस की वो प्रोफेसर थी, लेडी प्रोफेसर, लगाओ अंदाजा काका, पहचाने के लिए प्रिंसिपल के पास गए हैं और खुद ही खत्म होते जा रहे हैं। अब दुनिया पे डिपेंड करें, ये अंबाला कैंट की दुर्घटना, दुनिया पे डिपेंड करें, ऊपर भगवान बना कैसे रहा है, ऊपर से गिरा रहा है उनके से ट्रक वाले को तेजी से ले जा रहा है नीचे, काका इस पे डिपेंड जो करेगा कभी नहीं शांत रह सकता, कहीं क्यों दुनिया में भगवान ने बनाया क्या, अभी सूर्य निकला था, हाँ अभी पूरे जोबन पे आया, धीरे धीरे करके ढलने लगा, लो अस्त हो गया। जैसे मैं कहा करता हूं, दुनिया में जो भी चीजें भगवान ने बनाई हैं, वो यूं आधे आधे दायरे में जा रही हैं, जन्मना बढ़ना घटना मर जाना, बर्थ डिको बर्थ ग्रोथ डिके डेथ, कई बार मैं सुना चुका हूं आपको, जो भी चीज बनी है वो जन्मी है, हाँ जन्म के बाद बढ़ती रहती है, अपने आप भी घटने लग जाती है, मर जाती है, जन्मना बढ़ना घटना मरना, जन्मना बढ़ना घटना मरना, बर्थ ग्रोथ डिके डेथ, हर चीज जो भी चाहे चेतन है चाहे जड़ है सब जा रही है। दुनिया पे भरोसा करना, दुनिया का साथ व्यवहार करना, पर दुनिया का इतबार ना करो। अब जो इतबार करेंगे वो दुखी होते रहेंगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, उनको न तत्ते सुख न ठटे सुख, विचार किया करो सोचा करो, मेरी माता बच्चे सत्संग में आती सोचा करें, फिर क्या होगा, पूर्ण रूपेण मन भगवान की ओर लग जाएगा, और इधर के हालात जो भी होते रहे आप तो कुटस्थ हो जाएंगे, ठीक है मेरे मालिक, ये तो इसी तरह है, ये तो बनेगी इस तरह, ये तो होगा ही ऐसा। अब आपका मन दुनिया में रहता हुआ भी उपरान, दुनिया में रह के भी नाउ आप इंटायरली इनडिफरेंट, इंटायरली वाला स्पीक इनडिफरेंट, अब आप बिल्कुल अपने मन को अब आप कर गए, अब आपका मन कुटस्थ है स्थिर है, जो भी घटना घटेगी दुर्घटना आपका मन टिका रहेगा, आपका मन ठहरा रहेगा, यह है अवस्था। अगर आप एड़ी चोटी का जोर मार के बनाने की पुरुषार्थ करें तो फिर आप हमेशा शांत, अपना पुरुषार्थ किया अच्छा मेरे प्रभु, अपनी ओर से जुट गए जो आपकी इच्छा मेरे मालिक, आप अपने आप में प्रसन्न रहेंगे, गदगद होकर रहेंगे, अपने आप में बहुत अच्छे होकर रहेंगे, तब आप कुटस्थ या इंडिफरेंट हो जाएंगे, हमेशा मन का बैलेंस बना रहेगा,
अनबैलेंस नहीं होगा, आप अपने आप को शांत पाएंगे, साधना चलती जाएगी, आप अंतर्मुखी होते जाएंगे, रूहानियत की मंजिलों को तय करने में बड़ा मजा आएगा। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।